हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फाइनली आज की स्टूडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, और उसी का आज हम लोग पहला चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय। चैप्टर का नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पर जो है भारत के समाज के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो भी उसका परिचय यानी कि बिल्कुल इंट्रोडक्शन आपका चैप्टर का नाम ये, ठीक है। देखिए, वैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये जितना भी किताब आप पढ़ते हैं इसके बारे में जो जानकारी वो हम लोगों को किताबों से मिलती है। जैसे आपको पूछेंगे कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आप बोलेंगे गंगा नदी। तो ये कैसे पता चला बच्चों? ये हम लोगों ने किताब से पढ़ा। लेकिन सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा सब्जेक्ट है जिनके बारे में हम लोग बहुत पहले से ही बहुत कुछ जान रहे होते हैं। यानी कि समझिए कि हम लोग लगभग बचपन से ही जो है इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे होते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे? देखिए, बड़ों से आदर, बड़ों से बड़ों का रिस्पेक्ट करना, अब ये बात हम लोगों को किसने सिखाया? क्या किताब से पढ़े थे? बिल्कुल नहीं, समाज ने सिखाया, मम्मी पापा ने सिखाया, या फिर हो सकता है परिवार ने सिखाया, दादा दादी ने सिखाया। छोटे से प्यार करना है ना, अच्छे से चलना, बाएं से चलना, बाएं तरफ से चलना, ये जितना भी चीज़ है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग देखते हैं, यही तो है समाज। तो हम लोग जो है समाजशास्त्र का डेफिनेशन ही वही होता है कि मानव समाजों और सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन। मानव समाजों का मतलब हो गया यानी कि जो समाज होता है, और व्यवहारों कहने का मतलब है कि आप जो है किस प्रकार है। कहने का मतलब, जैसा आप एक गाँव में रहते हैं, एक बुजुर्ग आ गया तो क्या आप उसको बैठने के लिए दिए, एक चेयर उनको निकालने के लिए, उनको पानी ला के दिए, उनको पानी पूछे? तो ये आदर करना, रिस्पेक्ट करना, यही सारा चीज़ जो है, क्या उसको गाली गलौज दिए? तो ये सभी चीज़ हम लोग कैसे पढ़ते हैं? समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए फटाफट, एक एक लाइन आपको लाइन बाय लाइन हम समझाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाए। प्लीज़ आप लोग इधर उधर का कमेंट नहीं करिएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। और हेडिंग आज का डालना है आपको भारतीय समाज एक परिचय, पॉइंट को नोट करिएगा तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए समाजशास्त्र का डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं एक लाइन में। समाजशास्त्र जिसको हम लोग कहते हैं सोशोलॉजी, सोशोलॉजी मतलब समाजशास्त्र, मानव समाजों और सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन यानी कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड सोशल बिहेवियर, यानी कि एक मानव समाज का यानी कि ह्यूमन सोसाइटी का और सोशल बिहेवियर का, सामाजिक व्यवहार का, इसी का जो अध्ययन करते हैं, इसी के बारे में जो पढ़ते हैं, यही आपका समाजशास्त्र कहलाता है। ये चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो ये सारा समझ में आ जाएगा, मानव समाज क्या होता है, सामाजिक व्यवहार क्या होता है। आगे हम लोग देखेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। सारा टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, ये है कि समाजशास्त्र का जो उदय है वो कहाँ पर हुआ था? तो समाजशास्त्र का जो उदय है वो यूरोप में हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ पर? यूरोप में हुआ था। आज आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समाजशास्त्र का उदय यूरोप में हुआ था। इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो किया था फ्रांसीसी दार्शनिक जिसका नाम था फ्रेंच फिलोसोफर जिसका नाम था अगस्त कांता। क्या नाम था? अगस्त कांत, ठीक है। तो अगस्त कांत ने जो है इस समाजशास्त्र शब्द का, सोशियोलॉजी शब्द का सबसे प्रयोग किया था 1839 में, ठीक है, सॉरी 1839 में। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब किया था? 1839 में। तो किसने किया था? अगस्त कांता ने किया था 1839 में इस समाजशास्त्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग। याद रखिएगा, किसने किया था? अगस्त कांता ने कब किया था? 1839 में सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग शुरू करते हैं समाजशास्त्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग, मैंने कहा ना, बहुत कुछ हम लोग पहले से जान रहे होते हैं, अभी आपको समझ में आएगा क्या क्या चीज़ हम लोग जानते हैं, ठीक है। समाजशास्त्र, देखिए, समाज के बारे में पूर्व जानकारी अथवा समाज के साथ गहरा जुड़ाव। याद रखिएगा, समाज के बारे में पूर्व जानकारी मतलब समाज के बारे में पहले से जानकारी, या समाज के साथ गहरा जुड़ाव, या फिर आप समाज में इतना रहे, इतना रहे, इतना रहे कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है जानने को मिल गई, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग अब मान लेते हैं पढ़ाई करने के लिए बाहर चले जाते हैं, अपना आप सिर्फ पढ़ते हैं पढ़ते हैं, तो उसको समाज के बारे में उतना जानकारी होगा क्या? नहीं। लेकिन जो हमेशा गाँव में ही रहता है या फिर हमेशा समाज में ही रहता है और हमेशा रहता है, हमेशा झगड़ों में जाता है, हमेशा कोई विवाद हो गया वहाँ पे जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ जहाँ होता है वहाँ पे जाते रहता है ना, तो उनको इनके बारे में जो जानकारी वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वही है, या तो समाज के बारे में पहले से जानकारी हो या समाज के साथ गहरा जुड़ाव। ये जो है सामाजिक अध्याय की एक शाखा समाज शास्त्र के लिए लाभप्रद और अलाभप्रद दोनों ही रहे। कहने का मतलब, अगर आपको समाज के बारे में पहले से जानकारी होगा या आपको गहरा जानकारी होगा, तो ये आपके लिए फायदेमंद भी है और घाटेमंद भी है। अब फायदेमंद किस तरीके से है, घाटेमंद किस तरीके से है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही अच्छा लाइन है, आप इसको देखिए, देखिए मैं फिर आपको समझाऊंगा भी। इसका लाभ यह है कि, यानी कि जो पहले से अगर आपको जानकारी है तो उसका फायदा क्या है वो देखिए। इसका लाभ यह है कि छात्र जो है वो समाजशास्त्र से सामान्य भयभीत नहीं रहते हैं, वे सोचते हैं कि इस विषय का ज्ञान उनके लिए कठिन नहीं हो सकता। मतलब अब ध्यान से देखिएगा, देखिए
हम लोग जो है ना, जैसे आप अगर ले लीजिएगा आरक्षण के बारे में, ठीक है, तो आरक्षण के बारे में अक्सर जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं वो हमेशा विरोध करता है कि आरक्षण क्यों है, हम लोग भी इतना मेहनत करते हैं, वो लोग भी इतना मेहनत करता है, लेकिन वो लोग का सिलेक्शन हो जाता है, हम लोग का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आरक्षण है। तो हम लोग इसको ऊपरी ऊपरी समाज में देखते हैं और हम लोग को लगता है कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जब आप डिटेल में पढ़ेंगे कोई चीज़ों को कि भाई आरक्षण उनके लिए फायदेमंद है या नहीं है, मतलब क्या आरक्षण देने से उनके लिए कोई मतलब कोई ये नहीं है, उनको क्या एक्स्ट्रा में दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है, है ना। यानी कि सिंपली कहने का मतलब है कि जो आरक्षण है वो लोगों के लिए फायदेमंद है, अगर नहीं होता तो बड़े बड़े विद्वान आए अब तक उनको खत्म कर देता, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, अब जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं तो वो सोचता है कि आरक्षण खत्म हो जाए, लेकिन जो आरक्षण वाले होते वो सोचता नहीं हो। अब इसके बारे में डिस्कशन कैसे होगा, तो हम लोग पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक से, हर चीज का घाटा फायदा निगेटिव पॉजिटिव जो है उसको देखेंगे तभी ना, ठीक है। एक जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अब आतंकवादी के बारे में ले लेते हैं। अब हम लोग अगर सुनते होंगे समाज में कि आतंकवाद ये होता है, आतंकवाद वो होता है, आतंकवाद जो है अक्सर सुनते होंगे कि आतंकवाद ज़्यादा मुसलमान लोग होते हैं। अब सही बात है कि अगर मुसलमान जाकर के वो कर दिया कुछ, अगर कहीं पे टेररिज्म वाला एक्टिविटी कर दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरे मुसलमान जो है वो आतंकवादी हो गया, बिल्कुल नहीं। लेकिन समाज में हम लोग क्या देखते हैं कि नहीं, मुसलमान जो है आतंकवाद होता है, ऐसा सुनते हैं सोचते भी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पूर्व पहले से जो है दिमाग में बैठा दिया गया है। तो इसीलिए कहता है, अगर आपको समाज के बारे में पहले से जानकारी है, ये कभी कभी आपको घाटेमंद साबित होती है। जैसे कि इस जगह में आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई आदमी, जैसे अब कोई लड़का अगर कुछ गलत कर दिया, तो ऐसा थोड़ी कि हम पूरे लड़कियों को ही बदनाम करेंगे, या कोई लड़की अगर कुछ गलत कर दी तो ऐसा थोड़ी हम लोग पूरे लड़की को ही बदनाम करें, बिल्कुल नहीं। वो लड़की गलत है सिर्फ, अब पूरे लड़की समाज यानी पूरे लड़की जो जेंडर है वो गलत थोड़ी हो गया। तो इसका मतलब समाज के बारे में जो पूर्व जानकारी है, हम लोग कहते नहीं ये लोग ऐसा ही होता है, ये लोग ऐसा ही, लड़की लोग ऐसा ही होता है ना, ये लोग ऐसा ही होता है, आतंकवाद यही लोग होता है। इस तरीके से हम लोग जो है धारणा बैठा दी है अपने अंदर में, जो कि बिल्कुल गलत है ना, बिल्कुल क्या है, गलत है। हम लोग अगर उनके बारे में कुछ बोलेंगे तो उससे पहले हम लोगों को उसका अध्ययन करना चाहिए, उनके बारे में पता करना चाहिए, सर्च करनी चाहिए, खोजबीन करनी चाहिए, तभी हम लोगों को कुछ ना कुछ उसमें टिप्पणी देनी चाहिए। तो यही है, अगर आपको पहले से जानकारी है तो ये कहीं ना कहीं घाटा है, जैसे कि इस जगह में, ठीक है। तो वही चीज है कि इसका और लाभ कहां पर है, तो लाभ है बहुत जगह लाभ है। अब जैसे सिंपल सा बात करें, अगर हमको हम अगर कहीं पे मान लेते हैं ये चीज देख लिए, सुन लिए कि नहीं आरक्षण जो है ना वो बहुत अच्छा चीज है, आरक्षण क्या है वो बहुत अच्छा चीज है, अब हम क्या करेंगे, किताब में तो नहीं पढ़े कि अच्छा चीज है, लेकिन हम बोलेंगे हाँ अच्छा चीज है, तो ये हो गया लाभ, है ना। तो देखिए, इसका लाभ यह है कि छात्र जो है वो समाजशास्त्र से सामान्यतः भयभीत नहीं रहते हैं, वो सोचते हैं कि इस विषय का ज्ञान उनके लिए कठिन नहीं हो सकता, ठीक है। इसका लाभकारी पहलू यह है कि कभी कभी समाज के विषय में पूर्व जानकारी समस्या का कारण बन जाती है। कभी कभी समाज के बारे में अगर आपको पहले से जानकारी है तो ये क्या बन जाएगा, समस्या का कारण बन जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, समस्या का कारण बन जाता है। समाजशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के क्रम में हमें समाज के बारे में अपनी पूर्व जानकारी को भुला देने अथवा मिटा देने की आवश्यकता होती है। और अगर आप जो है समाज के बारे में अपनी जो पूर्व जानकारी है, अगर आप समाजशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, समाजशास्त्र के बारे में, समाज के बारे में अगर आप पता लगाना चाहते हैं, तो जो आपको पहले से जानकारी है, जो आपके दिमाग में घुला गया है या फिर जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसको भूलना पड़ेगा और फिर आपको समाज को एक नए सिरे से जानना पड़ेगा। तो यही है समाजशास्त्र, है ना। यानी कि सोसाइटी में रह करके हम लोग जो चीज़ सीखते हैं, जो चीज़ मानव व्यवहार के बारे में देखते हैं, है ना, तो ये क्या है, समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है, यानी कि सोशोलॉजी के अंतर्गत आता है। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको लगता है हर बच्चे जानते होंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, छोटा छोटा पॉइंट है, फिर उनके बाद हम लोग सोशियोलॉजी में जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर में आपका पॉइंट आता है, इसलिए इसको पहले हम बता देते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उपनिवेशवाद क्या होता है बच्चों, उपनिवेशवाद क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। देखिए, साम्राज्यवादी देशों द्वारा अन्य छोटे राष्ट्रों में अपनी सरकार स्थापित करना उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे अंग्रेजों ने भारत में आकर के जो है यहाँ पर राज किया, तो ये क्या हो गया, उपनिवेशवाद हो गया, ठीक है। साम्राज्यवादी देशों द्वारा, मतलब साम्राज्यवादी देश या साम्यवादी देश या फिर पूंजीवादी देश, कुछ भी बोल सकते हैं, बड़े देश या फिर बड़ा राष्ट्र के द्वारा भी बोल सकते हैं, है ना, यानी कि बड़े राष्ट्र के द्वारा किसी छोटे राष्ट्रों में, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। तो साम्राज्यवादी देशों द्वारा अन्य छोटे राष्ट्रों में अपनी सरकार स्थापित करना, ये जो है आपका उपनिवेशवाद का डेफिनेशन हुआ, ठीक है। तो उपनिवेशवाद याद रखिएगा, अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर के कब्जा किया, यहाँ पर राज किया 200 साल तक, तो ये आपका क्या कहलाएगा, उपनिवेशवाद। अब राष्ट्रवाद क्या है बच्चों, तो जब ये राष्ट्रवाद का भावना कब पनपी, पता है, जब यहाँ पर अंग्रेज आया, है ना, वो लेके आया उपनिवेशवाद और हम उसका विरुद्ध लेके आए राष्ट्रवाद, यानी कि ये वर्ड ऑटोमेटिक उत्पन्न हो गया। अगर अंग्रेज यहाँ नहीं आता तो ये शायद राष्ट्रवाद नहीं आता। अब राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, अपने देश से प्रेम करना, अपने देश से प्यार करना, अपने जिंदगी को अपने देश के लिए निछावर कर देना, कुर्बान कर देना, ठीक है, ये होता है राष्ट्रवाद, यानी कि नेशनलिज्म। आप लोग हमेशा डिबेट में, टीवी वगैरह में डिबेट होता है, वैसे तो आजकल डिबेट भी कोई काम का नहीं है, फालतू का बकवास होता है,
बट आप सुनते होंगे तुम राष्ट्रवादी नहीं हो, तुम राष्ट्रवादी नहीं हो, तुम ये वो दिस डेट फलना। लेकिन राष्ट्रवाद को जो सही डिफिनेशन है वो ये है कि अपने देश के प्रति प्यार करना, यही राष्ट्रवाद कहलाता है। चाहे आप जिस तरीके से हो, कोई बॉर्डर में अपना जान दे के दिखाता है, कोई बॉर्डर में हम लोगों का सुरक्षा करके, कोई किसी तरह का सेवा दे करके, हम लोग भी राष्ट्रवादी कैसे हो गए? जैसे हम कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होंगे, आप पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आप कुछ देश के लिए कुछ काम करेंगे, है ना। तो ये सारा चीज़ राष्ट्रवाद के ही अंतर्गत आता है, अपने देश से जो हम लोग प्यार करते हैं। ठीक है, देखिए राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न करती है, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न करती है। राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही हम स्वतंत्र हो सके हैं, है ना। यानी कि ये राष्ट्रवाद की भावना थी तभी जो है हम लोग यहाँ पर आज़ाद हो सके। ठीक है, चलिए वर्ग क्या होता है। वर्ग यानी कि क्लास, देख लीजिए भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है, यह विभाजन ही वर्ग कहलाता है ना। यानी कि भारतीय समाज का जो विभाजन हुआ है वो कई आधारों पर हुआ है, कई आधारों पर अगर हम लोग बात करें, कई आधारों पर हुआ है वर्ग, तो उसी को अच्छा ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जाएंगे इस चैप्टर में, क्योंकि ये परिचय है, तो परिचय के जैसा हम लोग यहाँ पर स्पीड में भागेंगे। ठीक है, वर्ग समझ गया आप क्या है, कि भारतीय समाज जो है कई आधारों पर विभाजित किया गया है, उसमें से एक जो आधार है वो है वर्ग। ठीक है, अब सांप्रदायिकता क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनलिज्म। क्या कहते हैं बच्चों? कम्युनलिज्म, है ना। सांप्रदायिकता यानी कि एक प्रकार का जलन कह सकते हैं हम लोग। देखिए एक धार्मिक समुदाय का दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रति विद्वेष, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जलन, जिसको क्या कहते हैं जलन या फिर दुश्मनी। तो एक धार्मिक समुदाय यानी कि कोई धर्म दूसरे धर्म का अगर वो होता है दुश्मन होता है, या फिर किसी को दूसरे से जलन होता है, दूसरे धर्म से जलन होता है, इस प्रकार के जो मतलब कि सिस्टम को कहते हैं सांप्रदायिकता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनलिज्म। ठीक है, तो याद रखिएगा एक धार्मिक समुदाय का दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रति जो जलन होता है उसी को क्या कहते हैं सांप्रदायिकता। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सामाजिकृत क्या होता है। सामाजिकृत देखिए समाज द्वारा बनाए गए या निर्मित किए गए, समाज द्वारा बनाए गए या निर्मित किए गए को हम लोग कहते हैं सामाजिकृत। कहने का मतलब है जो चीज़ समाज के द्वारा बनाया जाता है, जो चीज़ समाज के द्वारा बनाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं सामाजिकृत, उसी को क्या कहते हैं सामाजिकृत। ठीक है, आगे है लैंगिक, जिसको कहते हैं जेंडर, लैंगिक है। देखिए समाज में पाए जाने समाज में व्हाट इज द प्रॉब्लम मैन, हाँ लैंगिक, समाज में पाए जाने विभिन्न स्त्री पुरुष विभेद का लैंगिक असमानता की संज्ञा दी गई है, है ना। लैंगिक का मतलब ही समझ में आना चाहिए कि समाज में जो विभिन्न स्त्री और पुरुष विभेद होता है, यानी कि स्त्री अलग पुरुष अलग, यही क्या है आपका लैंगिक असमानता की संज्ञा दी गई है इसी को। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या प्रॉब्लम है भाई साहब, अब हम लोग चलते हैं आगे, वो है समाजशास्त्र। अब यहाँ से चैप्टर की शुरुआत होती है, ध्यान से देखिएगा। समाजशास्त्र का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक डिफिनेशन, जहाँ पर हम लोग समाज में रह करके समाजों के बारे में अध्ययन करते हैं, समाज के बारे में पता लगाते हैं, यही जो है आपका समाजशास्त्र है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को हम समझाने का प्रयास करेंगे और चैप्टर को फिर समाप्त भी करेंगे। ठीक है, देखिए समाज हमें इस बात की शिक्षा प्रदान करता है कि विश्व को सकारात्मक दृष्टि से ना केवल स्वयं की बल्कि दूसरों की दृष्टि से भी किस प्रकार से देखें। यानी कि समाजशास्त्र हम लोगों को ये बताता है कि जैसे हम लोग एक सकारात्मक जो सोच होता है उससे हम लोग दुनिया को देखते हैं अपने नज़र से, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो दुनिया है वो भी सकारात्मक सोच से ही सोचती है। समझ में आया चीज़ों? जैसे जैसे मान लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि एक अब मान लेते हैं कोई लड़का कुछ गलती कर दिया, है ना, कोई लड़का कुछ गलती कर दिया, तो अब हम लोग क्या करते हैं, या फिर कोई लड़की कुछ गलती कर दी तो हम लोग क्या करते हैं, उस लड़की की वजह से कहते हैं पूरा लड़की कम्युनिटी ही ऐसा होता है ना, धोखेबाज होता है, वैसा वैसा सोचते हैं उनके बारे में। तो अब हम उनके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव क्या कि नहीं नहीं वो लड़की सिर्फ गलत है, पूरा लड़की समाज गलत नहीं हो सकता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो ये हम सोचें, लेकिन हम लोग फिर क्या सोचते हैं कि जो दूसरा लोग है ना वो ऐसा नहीं सोचता, ऐसा हम लोग सोचते हैं, ऐसा ही सोचते हैं ना। जैसे अब आतंकवाद के बारे में एग्जांपल ले लेते हैं कि आतंकवाद जो है ऐसा होता है, ठीक है, अब आतंकवाद ऐसा होता है ये हम सोचते हैं, फिर हम सोचते हैं क्या कि नहीं आतंकवाद जो है ना वो कुछ लोग होते हैं जो कि हो हर हर धर्म में होता है, ऐसा लोग हर धर्म में होता है आतंकवादी, ठीक है, लेकिन सारा चीज़ सारा लोग ऐसा नहीं हो सकता, ये हम सोचे। लेकिन दूसरे के बारे में हम क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं सोचता है, वो ऐसा नहीं सोचता है। तो समाजशास्त्र आपको यही सिखाता है कि नहीं, जो आप सोचते हैं पॉजिटिव वैसे वो लोग भी पॉजिटिव ही सोचता है। अब कुछ लोग की वजह से आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सभी लोग ऐसा होता है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। तो वही चीज़ कह रहा है कि विश्व को सकारात्मक दृष्टि से ना केवल स्वयं की
यानी कि खुद की दृष्टि से सिर्फ दुनिया को स्वयं मत देखो, दूसरों के बारे में भी आपको ऐसे ही देखना है, यानी कि दूसरों की दृष्टि से भी, दूसरों की दृष्टि से भी आपको इसी तरह पॉजिटिव में यानी कि सकारात्मक दृष्टि से आपको दुनिया को देखना है, समाज को देखना है, ठीक है। ये समाजशास्त्र जो है हम लोगों को बताता है। आगे देखिएगा, भारतीय समाज तथा उसकी संरचना की समझ से एक सामाजिक मानचित्र की प्राप्ति होती है, है ना। यानी कि आप जब भारतीय समाज के बारे में पढ़ते हैं, उनके बाद उनकी संरचना के बारे में समझते हैं, तो ये जो है क्या करता है, एक सामाजिक मानचित्र की हम लोगों को यहाँ से प्राप्ति होती है, जिस पर आप स्वयं को एक भौगोलिक मानचित्र की तरह अवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, समाजशास्त्र है ना, समाजशास्त्र आपका या अन्य लोगों का स्थान निर्धारित करने में मदद करने एवं विभिन्न सामाजिक समूहों के स्थानों का वर्णन करने अलावा इसके अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता है। यानी कि सिंपली समाजशास्त्र जो है या तो आपका हो गया या अन्य लोगों का हो गया, उसका स्थान निर्धारित करता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि आप कितना सोचते हैं, आपका एक स्थान फिक्स कर देगा कि नहीं आप इस काबिल हैं, आप इस काबिल हैं, आप इस काबिल हैं, है ना। तो या तो आपका या अन्य लोगों का जो है स्थान को निर्धारित करने में मदद भी करता है, और जो विभिन्न सामाजिक समूह है उनके स्थानों का वर्णन के अलावा भी और भी बहुत बहुत कुछ कर सकता है, और जो विभिन्न समाज है उनके बारे में भी ये जो है बहुत कुछ बता सकता है। क्या, कौन, समाजशास्त्र, ठीक है। समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियां तथा सामाजिक मुद्दों के बीच कड़ी तथा संबंधों का खाका खींचने में सहायक सिद्ध हो सकता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, जैसे मैंने आपको क्या कहा, पूर्व जानकारी के बारे में, है ना। पूर्व जानकारी मतलब आपको पहले से कोई चीज़ की जानकारी होती है, तो ये कभी कभी आपके लिए फायदेमंद है, कभी कभी घाटेमंद है। जैसे अगर हम लोग कोई फकीर को देख लिए, तो हम लोग क्या सोचते हैं, ये फकीर क्यों है भाई, क्योंकि ये गरीब है, या फिर फकीर क्यों, क्योंकि ये नगरालुल्ला है। क्या एक्चुअल रीज़न हम जानते हैं, नहीं जानते हैं। हम लोग जो देख रहे होते हैं उसी को जवाब दे देते हैं, है ना। कोई आदमी जैसे गुस्से में है, तो ये गुस्सा में क्या है, इसका पूरा खानदान है, ऐसा है क्या, हो सकता है वैसा हो, बट क्या पता कोई दूसरा प्रॉब्लम हो, क्या इसलिए वो गुस्सा हो क्योंकि उसके साथ अभी कुछ हो गया हो, वो इसलिए फकीर भिखारी है क्यों, क्योंकि उनके साथ कुछ और प्रॉब्लम हो ऐसा जिसकी की वजह से वो कुछ कर ही नहीं सकता है, है ना। तो बहुत सारा कारण होता है, लेकिन हम लोग अपने दिमाग में कुछ और बैठा के कुछ ना कुछ अपना राय दे देते हैं, तर्क दे देते हैं, और वहाँ से निकल जाते हैं, जो कि गलत है। और समाजशास्त्र इसी चीज़ को बताता है कि आप यहाँ पर गलत हैं, ठीक है। तो यही है कि समाजशास्त्र जो है वो व्यक्तिगत परेशानियों तथा सामाजिक मुद्दों के बीच कड़ी तथा संबंधों का खाका खींचने में सहायक सिद्ध होता है। यानी कि लोगों के अंदर जो परेशानी होती है, लोगों के पास जिस तरह की भी परेशानी होती है, चाहे वो रोज़गार की परेशानी हो, बेरोज़गारी हो, कमाई वगैरह नहीं हो रहा हो, बहुत मुश्किलें हो, बीमारी वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा हो, ये हो गया व्यक्तिगत परेशानी। और जो सामाजिक मुद्दा है, कोई ना कोई सामाजिक मुद्दा है, तो व्यक्तिगत परेशानी जो है वो सामाजिक मुद्दों से कहीं ना कहीं घिरा हुआ रहता है, ठीक है। सामाजिक मुद्दों के बीच कड़ी संबंधों का खाका खींचने में सहायक सिद्ध होता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक वोट, इलेक्शन का टाइम आ गया, वोट का टाइम आ गया, किसका, वोट का टाइम आ गया। अब हम बीमार हैं, बीमार है, अब हमको किसी को वोट देना है, लेकिन क्योंकि हम बीमार हैं, हम तो वोट देने के लिए नहीं जा सके, तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत परेशानी जो है वो आपका सामाजिक मुद्दा पर जाके इफेक्ट कर दिया। कहीं पे कोई मीटिंग हो रहा है समाज के बारे में, कुछ चीज़ के बारे में, हम नहीं जा पाए, कोई भी व्यक्तिगत परेशानी की वजह से, कोई भी हमको परेशानी की वजह से नहीं जा पाए, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का कड़ी हो गया। यानी कि अगर आपको व्यक्तिगत परेशानी होगी तो सामाजिक मुद्दा जो है उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट, कुछ ना कुछ प्रभाव ज़रूर पड़ेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, व्यक्तिगत परेशानियों से यहाँ तात्पर्य उन निजी कष्टों, परेशानियों तथा संदर्भों से हैं जो हर किसी के जीवन में निहित होते हैं, है ना। व्यक्तिगत परेशानी का मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं जो आपको निजी प्रॉब्लम है, जैसे किसी को पैसे का प्रॉब्लम है, जैसे स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, पैसे की बहुत दिक्कत होती है ना, एक एक रुपया जो है बहुत मुश्किल से हम लोग एक तो मांगते भी हैं, प्लस जो परिवार वाले हैं वो भी बहुत मेहनत से देते हैं ना, वो लोग कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं आपके लिए, दिन रात जो है हम लोग बोलते हैं आपके लिए, और कोई कोई लगता है क्या आपके लिए, मतलब वो तो उसको तो कमाना ही, बट ऐसा नहीं है। वो अगर चाहे तो, अगर सिर्फ अपना पेट भरना चाहे तो वो एक वक्त नहीं भी कमाएगा ना, वो पेट भर लेगा। लेकिन आप देखे होंगे कि जब भी वो कमाने जाते हैं तो पहले अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं, है ना, पहले अपने प्रीफर किसको करते हैं, अपने बच्चों को, उसके लिए जैसे कपड़ा ही खरीदने गया तो पहले अपने बच्चों के लिए लेगा सारा चीज़, उनके बाद लास्ट में बचेगा तो लेगा, नहीं तो एक छोटा सा कपड़ा लेके वो आ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, आप देखते होंगे समाज में, एग्जाम्पल में अक्सर गरीब लोगों के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि समाज, व्यक्तिगत परेशानी का मतलब जो हर व्यक्ति के पास होता है, जैसे कि किसी को टेंशन है, किसी को घर बनाना है, किसी को रहने के लिए घर नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास काम नहीं है, इस तरीके से परेशानी होती है लोगों के बीच। और यही जो परेशानी है वो डायरेक्ट सामाजिक मुद्दों से कड़ी होता है, उनका संबंध होता है किससे, सामाजिक मुद्दों से, ठीक है। आगे देखते हैं, नई तथा पुरानी पीढ़ियों के बीच अंतराल।
अब नई तथा पुरानी पीढ़ी का मतलब क्या हो गया, नई पीढ़ी जैसे कि हम लोग अपने आप को क्या कहेंगे, नई पीढ़ी, या आप लोग अपने आप को क्या कहेंगे, नई पीढ़ी, और पुरानी पीढ़ी मतलब या तो पापा या फिर दादा, दादा वगैरह को, दादा दादी को हम लोग क्या कहेंगे, पुरानी पीढ़ी। ठीक है, तो देखिए नई तथा पुरानी पीढ़ियों के बीच पीढ़ियों का अंतराल अथवा संघर्ष एक सामाजिक परिघटना है जो कई समाजों में काफ़ी दिनों से समान रूप से रही है ना। नई तथा पुरानी पीढ़ियों का जो अंतराल होता है अथवा जो संघर्ष होता है वो सामाजिक परिघटना है जो कई समाजों में काफ़ी दिनों से समान रूप से रही है। ठीक है, चीज़ आपको समझ में आ गई। वीडियो को जो लाइक नहीं किए अभी तक, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से क्लास ट्वेल्थ की तैयारी कराई जाती है, और इधर उधर का कमेंट ना करिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आप लोग कमेंट इधर उधर का बहुत करते हैं, प्लीज़ अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो जितना भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 100% कुछ ना कुछ आप जरूर याद कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ आपको यहीं से याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इधर उधर का कमेंट ना करें, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है इसका। ठीक है, चलो। बेरोजगारी अथवा परिवर्तनशील व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन का प्रभाव भी एक सामाजिक मुद्दा रहा है ना। बेरोजगारी के बारे में हमने बताया ना, ये क्या है, एक सामाजिक मुद्दा है। ठीक है, बेरोजगारी क्या है, एक सामाजिक मुद्दा है। अब बेरोजगारी भी सामाजिक मुद्दा कैसे इसको कहेंगे, देखिए सिंपली हमने देखा ना कि व्यक्तिगत जो परेशानी होती है वो सामाजिक मुद्दा को इफेक्ट करता है। मान लेते मेरे पास पैसा नहीं है, अब मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे पास पैसा नहीं तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। वैसे तो आज के दिन जो एजुकेशन है वो बहुत सस्ता हो गया ऑनलाइन में अगर बात करें तो। पहले हम लोग पढ़ने के लिए कहीं से कहीं जाते थे, क्वालिटी वाला कंटेंट नहीं मिलता था, हम बहुत दूर दूर जाते थे, लेकिन आज आपके घर में बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है। घर से भी बहुत सारे लोग हैं बहुत कुछ कर लेते हैं, टॉपर बनते हैं, यूपीएससी बीपीएससी निकालते हैं, नीट निकालते हैं, जेई इंजीनियर सब कुछ बन जाते हैं लगभग, है ना, घर से भी बैठ करके। तो वो चीज़ कह रहा है कि जैसे मान लेते मेरा पैसा नहीं है, तो क्योंकि पैसा नहीं तो ये क्या हो गया, मेरा व्यक्तिगत परेशानी। अब व्यक्तिगत परेशानी की वजह से हम क्या बेरोजगार रहेंगे, अब हमको दूसरा काम मिलेगा तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये बेरोजगारी, बेरोजगारी हो गया सामाजिक मुद्दा, बेरोजगारी सामाजिक मुद्दा, और पैसा नहीं होना ये हो गया व्यक्तिगत परेशानी, बीमार होना ये हो गया व्यक्तिगत परेशानी। तो क्या व्यक्तिगत परेशानी की वजह से बेरोजगारी जो हुआ तो सामाजिक मुद्दा तो हुआ, ये क्या है सामाजिक मुद्दा। तो मैंने क्या कहा कि सामाजिक मुद्दा जो है बेरोजगार मतलब कि जो व्यक्तिगत परेशानी है वो कड़ी होता है किसका, सामाजिक मुद्दा का। हमने यह कहा ये जो व्यक्तिगत परेशानी होता है बच्चों वो क्या होता है, सामाजिक मुद्दों के बीच का एक कड़ी होता है, एक संबंध होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपके पास पैसा नहीं, आप पढ़ नहीं पाए तो क्योंकि आपको रोजगार नहीं मिला तो ये हो गया बेरोजगारी, और बेरोजगारी हो गया आपका सामाजिक मुद्दा, और आपके पास पैसा नहीं है ये हो गया आपका व्यक्तिगत परेशानी। तो दोनों आपस में क्या हो गया, एक संबंध है, एक कड़ी है, है ना। आपके पास अगर पैसा होता तो सामाजिक मुद्दा आप कुछ कर रहे होते अभी। ठीक है, देखो तो बेरोजगारी अथवा परिवर्तनशील व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन का प्रभाव भी एक सामाजिक मुद्दा रहा है ना। परिवर्तन का प्रभाव यानी कि व्यावसायिक संरचना में अगर बदलाव हो गया, कुछ भी हो गया, या फिर बेरोजगारी वगैरह हो गया, तो ये भी क्या है, एक सामाजिक मुद्दा है जिसमें विभिन्न वर्गों के लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, और जिसमें अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो किसी भी तरह के लोग हो, है ना, किसी भी जाति से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी धर्म से हो, सभी लोग लगभग इस पर जो है प्रभावित होता है। खास करके हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर बेरोजगारी पर, ठीक है, इस पर क्या है, सभी लोग, लाखों लोग लगभग प्रभावित होता है, सभी को लगभग इफेक्ट पड़ता है, सब कोई रोजगार चाहिए। कोई ऐसा है क्या जो चाहता है कि हमने हम नहीं चाहते हैं रोजगार, ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं है। ऊपर ऊपर बोल देता होगा नहीं चाहिए, जो कर रहा है ठीक कर रहा है, फिर अंदर से वो भी चाहता होगा नहीं मेरे बच्चों को, हमको जॉब तो चाहिए, नौकरी तो चाहिए, है ना। देखो एक सामाजिक परिदृश्य आपको इस बात की शिक्षा देता है कि किस प्रकार से सामाजिक खाका तैयार करें, है ना। ये जो समाजशास्त्र है वो आपको बताता है कि किस प्रकार से खाका तैयार करें। कोई घटना हो गया, कुछ हो गया, तो उनके बारे में आपको तर्कपूर्ण सही से न्यूट्रल होकर सोचना है। ऐसा नहीं कि ये क्यों सही है, ये क्यों गलत है ना। कोई भी चीज़, जैसे कोई चीज़ बैंड करने की बात आई, है ना, कोई चीज़ बैंड करने की बात आई तो हम लोग क्या करते हैं, मन में पहले से बना लेते हैं। जैसे एक सिंपल सा लेते हैं, आप लोगों ने इस मुद्दा को देखा होगा, हिजाब मुद्दा, है ना, हिजाब मुद्दा सीरियस टॉपिक है, समाजशास्त्र है, तो इसी सब के बारे में लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर तर्क कैसे देते हैं, जैसे हिजाब है, ठीक है, हम लोग मन में पहले बना लेते हैं कि ये बैन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं किसी के पास और हम लोग तर्क देते हैं, अच्छा ये बैन क्यों होना चाहिए, तो भाई बैन इसलिए होना चाहिए, ऐसा है इसलिए बैन होना चाहिए, ऐसा है इसलिए बैन होना चाहिए, जबरदस्ती थोपा जा रहा है इसलिए बैन होना चाहिए। मतलब हम सिर्फ तर्क क्या दे रहे हैं, हाँ बैन होना चाहिए, चाहिए तो चाहिए। अब उसके लिए हम जितना पॉइंट बोल दें, अब एक व्यक्ति दूसरा आया वो क्या बोलता है, इसको बैन क्यों नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए। हम लोग जबरदस्ती नहीं करते हैं, शौक जिसका पहनता है, इस्लाम में ये चीज़ लिखा हुआ है कि इसको पहनना जरूरी है, कंपलसरी है, जो नहीं पहनता उसकी मर्जी है, है ना, जो पहनता वो भी उसकी मर्जी है, बट इस्लाम में लिखा हुआ है। तो कोई इस तरीके से तर्क देता है, यानी कि कोई तर्क देता है कि पहनना चाहिए, कोई तर्क इस बात पर देता है कि क्यों नहीं पहनना चाहिए, और कोई तर्क देता है कि क्यों पहनना चाहिए। लेकिन दोनों बात कोई एक व्यक्ति नहीं बोलेगा, जैसे वो ये नहीं बोलेगा हाँ इसलिए नहीं पहनना चाहिए और इसलिए पहनना चाहिए, ये बात कोई नहीं बोलेगा, या तो वो निगेटिव में देगा या पॉजिटिव में देगा,
ठीक है। तो यही चीज़ गलत है। हम लोगों को दोनों तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि भाई रियल में क्यों नहीं पहनना चाहिए, क्या कारण है कि नहीं पहनना चाहिए, क्या कारण है कि पहनना चाहिए, है ना। अब वो लोग तर्क देते हैं ये कवर होता है, कोई तर्क देता है कि ये कवर, ये ज़बरदस्ती थोपा जाता है। इस तरीके से लोग जो है इनके बारे में अपने अपना तर्क देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको दोनों तर्क देना चाहिए, ठीक है। ये जो है एक न्यूट्रल आदमी का जो है वो काम होता है। आगे देखो, भारत के अंतर्गत औपनिवेशिक शासनकाल में भारी कीमत चुकाकर राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक एकीकरण किया गया, है ना। भारत के अंतर्गत औपनिवेशिक शासनकाल में भारी कीमत चुकाकर, कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, यानी कि जब औपनिवेशिक शासक था तो अंग्रेज जो है यहाँ से सब कुछ लूट के लेके जा रहा था, कि सब कुछ तो लेके चले ही गया, है ना। तो यहाँ से जितना भी चीज़ लूट करके लेके गया, तो इसका मतलब क्या, हम लोग एक कीमत दे रहे थे उनको, बहुत ज़्यादा हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, है ना। तो भारत के अंतर्गत औपनिवेशिक शासनकाल में, यानी कि जब यहाँ पर अंग्रेज राज कर रहे थे, तो उस वक्त में हम लोगों ने भारी कीमत चुकाया, और उसके बाद हम लोगों ने राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, प्रशासनिक हो गया, इस तरह का एकीकरण किए, है ना। यानी कि राजनीतिक एकीकरण, प्रशासनिक एकीकरण, आर्थिक एकीकरण, ये सारा चीज़ कब हुआ, जब यहाँ पर अंग्रेज शासन कर रहा था, तो अंग्रेजों को शासन के अंतर्गत हम लोग बहुत ज़्यादा कीमत चुकाए, और फिर इन सभी चीज़ों का यहाँ पर एकीकरण हुआ, ठीक है। औपनिवेशिक शोषण तथा प्रभुत्व ने भारतीय समाज को कई प्रकार से सशस्त्र किया, यानी कि ये जो औपनिवेशिक शोषण है, है ना, ये जो औपनिवेश है, उपनिवेशवाद था, औपनिवेश था, इसकी वजह से जो भारतीय समाज जो है उसको कई प्रकार से इसको नुकसान पहुंचाया, है ना। लेकिन इसके विरोधा स्वरूप उपनिवेशवाद ने अपने शत्रु राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया। अब यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या है, इसके उपरांत, यानी कि ठीक है वो हम लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, बहुत तरीके से हम लोगों पर जो है वो दबाव डालाया, बहुत ज़्यादा हम लोगों को लूटा, लेकिन इसका एक फ़ायदा हुआ, मालूम है क्या, ये जो इसका फायदा ये हुआ कि ये जो उपनिवेशवाद है ये अपना दुश्मन राष्ट्रवाद को पैदा कर दिया, है ना, राष्ट्रवाद को क्या कर दिया, जन्म दिया। कहने का मतलब क्या हो गया कि उपनिवेशवाद का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जैसे अंग्रेज यहाँ पर आके राज कर रहा था, तो ये हो गया उपनिवेशवाद, ठीक है। अब राष्ट्रवाद क्या हो गया, अपने देश के प्रति प्यार करना। तो हम लोग जो देश के प्रति प्यार पहले करते थे, लेकिन जो होता है ना कि जैसे आप अपना दूसरों का कीमत तब तक नहीं जानते जब तक वो आपके पास से चले नहीं जाते, है ना। जैसे होता ना मरने के बाद, किसी की मृत्यु के बाद हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हो जाता अचानक, अरे भाई ऐसा बहुत याद आने लगता है, ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल सही बात है, है ना। तो किसी का जाने के बाद उसके बारे में पता चलता है, पहले नहीं। ठीक वैसे ही कोई चीज़ अगर आपके पास है ना, उसका अहमियत आपके पास नहीं है, जैसे किसी के पास अगर साइकिल है तो वो सोचता है क्या कि हमारे बाइक ले लेते किसी तरीके से, यार बाइक एक तो ज़रूरी था, बहुत यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। वो ये नहीं सोचता है कि भाई उसको भी तो देखो, जिसके पास साइकिल नहीं वो बेचारा कैसे चल रहा है, है ना। हम लोग बाइक ले लेते तो कार के बारे में सोचते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि भाई जिसके पास बाइक नहीं है, साइकिल है, उसको भी तो देखो किस तरह का ज़िंदगी है, ठीक है। लेकिन वहीं पर वो चीज़, एक तो ये नहीं सोचता है, वो सोचता है कि हमको कार हो जाता, हमको स्कॉर्पियो हो जाता, वो पेशेंस नहीं रखना चाहता, वो शुक्रिया नहीं करना चाहता, है ना। वो नहीं चाहता है कि भाई ये है मेरे लिए बहुत है, कोशिश करेंगे और आगे आ जाएगा, लेकिन नहीं, वो चाहता है कि नहीं हमको वो मिले। वो ये नहीं देखता है कि मेरे पास कम से कम ये तो है, बाइक तो है, किसी के पास तो ये भी नहीं है, उसको भी तो ज़रा देख लो, है ना। किसी के पास साइकिल है तो किसी के पास कोई पैदल चल रहा है, अब पैदल वाला सोचता है भाई उसके पास साइकिल है, मेरे पास साइकिल भी नहीं है, भाई वो भी तो देखो जिसका पैर नहीं है वो बेचारा का क्या हाल है, देख सकते हो ना। जिसका पैर ही नहीं है आपके पास, पैर तो दिया है, जिसके पास नहीं है, जो बेचारा पैर टूटा हुआ जिसका, उसका क्या हाल है। तो यही चीज़ है। अब देखिए, कोई चीज़ किसी के पास होता ना, उस चीज़ का अहमियत नहीं होता जब तक वो ना वो चले जाए। अब जिसके पास बाइक है, अगर वो बाइक चला गया तब उसको अहमियत होता, अरे भाई बाइक कितना इंपॉर्टेंट चीज़ था मेरे लिए। ठीक वैसे ही अगर आपके पास जो फ़ोन में अभी देख रहे हैं, ये फ़ोन अगर एक दिन के लिए गायब हो जाए या एक महीना के लिए गायब हो जाए, तो आपको किस तरह का लगेगा, सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक वैसे ही ये जो उपनिवेशवाद है, ये जन्म दिया राष्ट्रवाद को, और जब उपनिवेशवाद अंग्रेज यहाँ पर राज करने लगा, तब हम लोगों को समझ में आया अपने देश के प्रति कि हम लोग जो प्यार, जो हम लोग डूबे हुए थे, तब ये जो सारा हम लोग इससे बाहर निकले, कुआं से बाहर निकले, और राष्ट्रवाद जो है बहुत तेज़ी से फैलने लगा, है ना। जब अत्याचार करने लगा तब हम लोग एकता होने लगे, एक होने लगे सब कोई, क्योंकि अलग अलग रहेंगे, पाँच उंगली अगर अलग अलग रहेगा तो कोई भी इसको तोड़ के चले जाएगा, लेकिन अगर जिसको मिला देंगे और ये बन जाएगा मुट्ठी, तो इसको अब तोड़ना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब यहाँ पर क्या है, विभिन्नता में एकता है। यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग कपड़े पहनने वाले लोग, अलग अलग तरह के लोग, लेकिन यहाँ पर मिलजुल के रहते हैं, और यही जो है हम लोगों को पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाता है, है ना। हम लोग यहाँ पर जो भारत जो आज पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो इसी के प्रति जाना जाता है कि यहाँ पर अलग अलग तरह के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे यहाँ पर जाति है, लेकिन फिर भी लोग मिल करके रह रहे हैं।
यहाँ पर हजारों भाषा है, यहाँ पर देख रहे हैं कहीं पे सिर्फ एक और दो भाषा होता है, यहाँ पर हजारों भाषा है, लगभग 25-26 नहीं 17-18 शायद ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल, समझ गए। तो अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर मिलजुल के रहते हैं, इसी को कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विभिन्नता में एकता, और हम लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए। अगर आप अलग अलग रहना के चाहेंगे तो फिर से कोई आपको तोड़ के, एक को तोड़ के, फिर एक को तोड़ेगा, एक को तोड़ेगा, एक को तोड़ेगा, फिर से जो है ठीक वैसा स्थिति हो जाएगा जैसे अंग्रेजों ने यहाँ पर किया था, है ना। वो भी ये क्या करवाया था, डिवाइड एंड रूल, यानी कि सबको बांटो और राज करो, है ना, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर सबको बांटता था और राज करता था, ठीक है। तो उपनिवेशवाद ने जो है अपना शत्रु राष्ट्रवाद को यहाँ पर जन्म दिया, ठीक है। देखो ऐतिहासिक रूप से, वीडियो तो ज़्यादा बड़ी तो बनती जा रही है क्या, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, समाजशास्त्र है, यहाँ पर बोलना ज़्यादा पड़ता है, लिखना कम पड़ता है, यही चीज़ है। और मैंने कहा ना आप लोग को बहुत सारा चीज़ पहले से पता है, जितना हमें चीज़ बता रहे हैं बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा, ठीक है। देखो ऐतिहासिक रूप से भारतीय राष्ट्रवाद ने ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में ही अपना आकार ग्रहण किया, यानी कि ऐतिहासिक रूप से जो भारतीय राष्ट्रवाद है, जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन था, है ना, जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन था तो उसी वक्त में जो भारतीय राष्ट्रवाद है वो अपना रूप ग्रहण कर लिया, यानी कि यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना जो है वो फैल गई जब यहाँ पर उपनिवेशवाद था। औपनिवेशिक शासन काल के प्रभुत्व के अनुभवों ने विभिन्न समुदाय के लोगों में एकता तथा ऊर्जा का संचार किया, और ये औपनिवेशिक शासन की वजह से ही, यानी कि एक अंग्रेज तो हम लोगों को बांटा, लेकिन फिर अंग्रेज की वजह से ही हम लोग एकजुट हो गए, हम लोग आज़ादी के समय सबको मिलजुल करके लड़ाई करने लगे, क्यों, अंग्रेजों की वजह से, है ना। तो औपनिवेशिक शासन काल के प्रभुत्व से, यानी कि औपनिवेश जब यहाँ पर अत्याचार कर रहा था उसी की वजह से, उसी का जो अनुभव हम लोगों को हुआ उसी की वजह से अलग अलग समुदाय के लोगों ने जो है एकता, यानी कि अलग अलग समुदाय में एकता हुई और फिर ऊर्जा का संचार किया गया, और इस ऊर्जा का संचार किया गया, ट्रांसपोर्ट किया गया कि हम लोग एक हो गए हैं, अब अंग्रेजों के खिलाफ हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए, लड़ना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। वो कहा जाता है ना कि हम लोगों को आज़ादी जो ना पहले मिल जाती, लेकिन इतना समय क्यों लगा पता है आपको, क्योंकि गांव-गांव तो पता भी नहीं था कि हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे, आपको पता है इस बात का, यानी कि कई लोगों को जब यहाँ पर अंग्रेज शासन कर रहा था उस वक्त में इस बात को फैलाने में ही पूरा समय लग गया कि हम लोग गुलाम हो चुके हैं, अब हम लोगों को आज़ादी के लिए लड़ना होगा, इस बात को फैलाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अगर उस आज के दिन जैसे सोशल मीडिया है, मोबाइल है, जिस तरीके से, तो उस वक्त में ऐसा कुछ थोड़ी था, है ना, जैसे आज का कहीं भी कुछ घटना होगा तुरंत हम लोग देख लेते हैं, एक घंटा, दो घंटा या एक दिन के अंदर तो लगभग सबको पता चल जाता है। जैसे ओडिशा में ट्रेन हादसा हुआ था जो कि बहुत ही दर्दनाक घटना था, तो तुरंत लगभग हम लोग को पता चल गया, लेकिन उस वक्त में जब हम लोग गुलाम हुए थे तो इस बात को पता चलने में ही बहुत समय लग गया था, ठीक है, इसीलिए तो इतना समय लग गया। तो वही चीज़ कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये जो औपनिवेशिक, इसके वजह से हम लोग एक हुए और इसकी वजह से हम लोग फिर आज़ादी मिली। अगर वो अपनी वजह से उस तरह अत्याचार नहीं करता, अगर उस तरह नहीं करता तो आज भी शायद वही राज कर रहा होता, क्योंकि हम लोग क्यों आज़ादी चाहते, जब कोई आदमी अगर अच्छा होगा तो हम लोग आज़ादी चाहेंगे क्या, बिल्कुल नहीं चाहेंगे, है ना। देखो भारतीय समाज बहुलतावादी समाज है ना, बहुलतावादी का मतलब हो गया बहुत तरह के, जैसे मैंने कहा ना अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, देखिए इसमें भाषा, क्षेत्र, धर्म, जाति, रीति रिवाज की विभिन्नताएं हैं, है ना, यहाँ पर अलग अलग तरह, जैसे कि भाषा के आधार पर लोग अलग हैं, क्षेत्र के आधार पर लोग अलग हैं, धर्म के आधार पर लोग अलग हैं, जाति के आधार पर लोग अलग हैं, रीति रिवाज भी सबका, बहुत सारे लोग का जाति सेम होता है, धर्म सेम होता है, लेकिन रीति रिवाज अलग होता है ना, किसी किसी कोई जाति सेम है, सब एक ही जाति के है, लेकिन अगर क्षेत्र अलग है तो उसके आधार पर भी वो अलग हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर अलग अलग है। भारतीय समाज आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है, और भारतीय समाज जो है वो आधुनिकीकरण की तरफ, अब आधुनिकीकरण क्या होता है भाई, देखो समझो, जैसे आज के दिन हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर मतलब पश्चिमी सभ्यता, यानी कि जो पश्चिमी संस्कृति है उसको फॉलो कर रहे हैं ना। पहले हम लोग के पास जींस पहन नहीं था, आज हम लोग पहन रहे हैं, टाई लगाते हैं, हम लोग बेल्ट पहनते हैं, अच्छे से शर्ट वगैरह पहनते हैं, लड़कियों को देखोगे तो वो तो और आगे बढ़ रही है इस क्षेत्र में, जो अपना संस्कृति है था उसको हम लोग भूल रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग भूल रहे हैं। तो ये क्या है, आधुनिकीकरण है एक तो वो, दूसरा आधुनिकीकरण क्या हो गया, जैसे कि पहले मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन ये सारा चीज़ धीरे धीरे सब कुछ आ रहा है, तो ये भी क्या है, आधुनिकीकरण है। बहुत सारा चीज़, बहुत तरह के हथियार, बहुत तरह के सिस्टम जो है अभी पैदा हो रहा है। पहले हम लोग कैश यूज़ करते थे, अभी फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं पहले हम लोग, तो ये क्या है, आधुनिकीकरण है, है ना। पहले हम लोग पैदल जाते थे, आज गाड़ी, तरह तरह की जो है सुविधा हम लोगों को उपलब्ध है, तो ये क्या है, आधुनिकीकरण है। तो हर तरीके से आधुनिकीकरण होता है, ये नहीं कि सिर्फ कपड़ा चेंज हो गया आधुनिकीकरण, नहीं, बिल्कुल नहीं, सोच भी होता है, खाना पीना भी होता है, हर तरीके से जो है हम लोग आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि मॉडर्न निफिकेशन ऐसे कुछ उसको इंग्लिश में कहते हैं। देखो भारतीय आधुनिकीकरण मॉडल के मुख्य मूल्य ये है, जैसे समाजवाद, ये क्या है, आधुनिकीकरण मॉडल का मुख्य मूल्य है, समाजवाद हो गया, साम्राज्यवाद हो गया,
धर्म निरपेक्षता, औद्योगिकरण, प्रजातंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा मूलभूत अधिकार, ये सभी क्या है? आधुनिकीकरण का एक मॉडल है, मुख्य मूल्य है। ठीक है, आधुनिकीकरण मॉडल का एक क्या है? मुख्य मूल्य है ना। समाजवाद है, साम्राज्यवाद है, धर्म निरपेक्षता यहाँ पर है, यहाँ पर समाजवाद साम्राज्यवाद दोनों है। यहाँ पर यहाँ की जो अर्थव्यवस्था वो मिश्रित है ना। जैसे पूंजीवादी मतलब क्या होता भाई, आपका जो प्रॉपर्टी का मालिक आप खुद हैं, संपत्ति का मालिक, तो वो पूंजीवादी, और आपका संपत्ति अगर सरकार के अंडर आता है, सरकार अगर उसका मालिक है, तो वो समाजवादी या साम्राज्यवादी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरीके से समाजवाद भी है, साम्राज्यवाद भी है, धर्म निरपेक्षता है, सभी धर्म को वो कोई भी धर्म को मान सकता है, कोई भी धर्म को अपना सकता है, कोई भी धर्म को छोड़ सकता है, धर्म निरपेक्षता है, कोई भी किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता है, कोई भी आप किसी को जबरदस्ती करके अपने धर्म में नहीं ला सकते। ठीक है, आप बिल्कुल वो जो चाहे वो कर सकता है, आप नहीं कर सकते, जब अपने मन मर्जी से कुछ भी कर सकता है। प्रजातंत्र है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ना, मूलभूत अधिकार है, बहुत सारे तरह का अधिकार है हम लोगों को। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार जिसको बोलते हैं, 6 प्रकार के अधिकार है ना, मौलिक, टोटल मौलिक करते हुए कितना है, 11। मौलिक अधिकार कितना है बच्चों, 6। मौलिक अधिकार कितना है, मौलिक अधिकार 6 है आपका। एक जो संपत्ति का अधिकार था वो अभी आपका हट गया है, पहले टोटल 7 था। ठीक है, और जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो आपका 11 है। ठीक है ना, चलो भाई आगे चलते हैं। देखो, भारत में स्थापित लोकतंत्र जो कि समानता, स्वतंत्रता तथा सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित है, ने भारतीय समाज के परंपरागत ढांचे को परिवर्तित किया है ना। भारत में जो स्थापित लोकतंत्र है जो कि समानता, स्वतंत्रता तथा सार्वभौमिक मताधिकार पर जो आधारित है, वो क्या किया, भारतीय समाज के परंपरा ढांचे को परिवर्तित किया है। ठीक है, यानी कि जो भारत के जो समाज की परंपरागत ढांचा, उनको क्या किया है, बदलाव किया, उसमें क्या किया, बदलाव किया है। औपनिवेशिक काल में एक नई जागरूकता का भाव पैदा हुआ है। इस काल में भारतीय लोग समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ हुए, इससे कई प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिवर्तन के आधुनिक रूप सामने आए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटा छोटा लाइन है, बहुत आसान लाइन है, ये सब आगे देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। देखो भाई, ब्रिटिश शासनकाल में परिवर्तन की विभिन्न प्रक्रिया प्रारंभ हुई, यानी कि परिवर्तन की, ब्रिटिश शासनकाल जब यहाँ पर था तो यहाँ पर बहुत तरह के जो बदलाव है वो शुरू हुई। ठीक है, जैसे इनमें से कुछ पूरी तरह से बाह्य थी जबकि कुछ आंतरिक थी, यानी कि इसमें से कुछ बदलाव जो है पूरी तरीके से बाह्य बदलाव थी और कुछ कुछ बदलाव जो है वो कि आंतरिक थी। ठीक है, बाह्य प्रक्रियाओं में शामिल थे जैसे कि पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, धर्म निरपेक्षता, औद्योगिकरण इत्यादि। कहने का मतलब क्या हो गया, यानी कि ब्रिटिश शासन जब यहाँ पर था तो इसकी वजह से बहुत तरह का बदलाव हुआ। अब इसमें से कुछ बाह्य था, बाह्य का मतलब हो गया जैसे कि हम लोगों को हम लोग आधुनिकीकरण की ओर गए, तो ये कैसे गए, तो हम लोगों ने जब बाहर के लोगों को देखा है ना, जब अमेरिका, यूरोप वगैरह को देखा, तब हम लोग आधुनिकीकरण तरफ गए। धर्म निरपेक्षता को हम लोगों ने देखा कि भाई दूसरे धर्म में, दूसरे देश में धर्म निरपेक्ष है, जो कि वो जिस देश में भी धर्म निरपेक्ष है तो वो देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तो हम लोगों ने भी धर्म निरपेक्ष को अपनाया। तो ये क्या हो गया आपका, बाह्य बदलाव हो गया है ना, ये क्या हो गया आपका, बाह्य परिवर्तन हो गया। अब देखिए कुछ कुछ, जैसे कि जबकि संस्कृतिकरण यानी कि जो आंतरिककरण होता है, जो अंदर वाला बदलाव होता है, उसको हम लोग संस्कृतिकरण कहते हैं, जिसको हम लोग संस्कृतिकरण हो गया, नगरीकरण हो गया, आंतरिक प्रक्रियाएं थी। आधुनिकीकरण तथा पश्चिमीकरण हमारे ब्रिटेन के साथ संबंधों का परिणाम था, यानी कि आधुनिकीकरण और जो पश्चिमीकरण हुआ, पश्चिमीकरण क्यों कहते हैं, तो क्योंकि जो ब्रिटेन वगैरह वो पश्चिम तरफ है, वेस्टर्न कल्चर है ना, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, तो आधुनिकीकरण हो गया और जो पश्चिमीकरण हो गया, ये क्यों हुआ भारत में, या हम लोग आधुनिकीकरण की तरफ जो गए वो क्यों गए, तो क्योंकि हम लोगों का जो संबंध है वो ब्रिटेन से था। अब ब्रिटेन से संबंध का क्या मतलब हुआ, तो क्योंकि वो यहाँ पर राज कर रहा था, ये भी एक कारण है। ठीक है, और बाकी नगरीकरण हो गया और जो संस्कृतिकरण है, संस्कृतिकरण और नगरीकरण, ये सारा चीज़ जो बदला हुआ है वो आंतरिकरण आपका, आंतरिकरण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आंतरिकरण के अंतर्गत। चलो भाई आगे देखो, उत्पादन में यांत्रिक तकनीक, व्यापार में बाजार पद्धति, परिवहन तथा संचार साधनों का विकास, नौकरशाही पर आधारित लोक सेवा की अवधारणा, औपचारिक तथा लिखित कानून, आधुनिक सैन्य संगठन, पृथक प्रशिक्षित विधि पद्धति तथा आधुनिक औपचारिक शिक्षा पद्धति आदि महत्वपूर्ण कदम थे जिन्होंने आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार की। कहने का मतलब क्या हो गया, जो आधुनिकीकरण हुआ वो क्यों हुआ, ये सारा कारण है, जैसे कि तकनीक, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गया, व्यापार बाजार में पद्धति, अब लोग जो है व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए यहाँ से वहाँ जाने लगे, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए है ना। परिवहन और संचार की वजह से, यानी कि परिवहन बहुत ज़्यादा, परिवहन ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा होगा तो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे व्यापार करने हो, चाहे जो काम करने के लिए हो। ठीक है, उनके बाद संचार भी उसी में आ गया, नौकरशाही पर आधारित लोक सेवा की अवधारणा, औपचारिक तथा लिखित कानून है ना, इन सभी की वजह से जो है हम लोग क्या हुए, आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तैयार हुई है ना।
आधुनिकीकरण की तरफ हम लोग गए ये सारा कारण की वजह से, क्योंकि जब हम लोग घूमेंगे ना, इसलिए कहा जाता है कि घूमना भी लोगों को चाहिए, क्योंकि आप जहाँ हैं वो कुआं है आपके लिए, है ना। अगर आप एक रूम में हैं, आप एक गांव में हैं, एक जिला में ही हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या है, कुआं है। आप क्या सीखेंगे कि जैसे आपके गांव में कोई लोग तरक्की किया, कोई डीएम बन गया, तो आप उनको देख के बोलेंगे हाँ भाई डीएम बनेंगे। लेकिन आप जब बाहर जाएंगे, जब पूरी दुनिया में घूमेंगे या पूरे देश में घूमेंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, दुनिया जो है वो बहुत बड़ी है, हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये कब आपको पता चलेगा बच्चों? जब आप बाहर निकलेंगे, जब आप देखेंगे लोगों को, है ना। ऐसा नहीं कि घर में बैठ करके आप सब कुछ, वैसे तो आज के दिन सोशल मीडिया हम लोग बहुत कुछ देख लेते हैं, तब भी घूमना बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि जब लोग ट्रांसपोर्ट करते थे, जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, अब व्यापार करने के लिए चाहे जैसे भी हो, तो वो क्या कहता था, कुछ चीज़ वहाँ का सीख के यहाँ बोल देते थे। अब इससे क्या होता था कि वो चीज़ यहाँ अपना लिया जाता था, अगर कुछ अच्छा चीज़ होता था तो। ठीक है, आगे देखो। ब्रिटिश उपनिवेशवादी अपने हितों के दृष्टिगत ही सारे कदम उठा रहे थे, और जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी है वो अपने हितों के दृष्टिगत यानी कि अपने लिए ही वो जो है सारे कदम उठा रहे थे, है ना। यानी कि जो अंग्रेज यहाँ पर था वो अपने लिए ही सारा चीज़ कर रहा था, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं। परंपरा तथा आधुनिकता ने भारतीय समाज में ढेर सारी समानताएँ पैदा कर दी। एक है परंपरा और यह का आधुनिकता। परंपरा का मतलब सिंपली जो चलते आ रहा है उसको परंपरा कहते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने बहुत से जनरेशनों ने किया वो क्या हो गया, परंपरा हो गया। ठीक है, और आधुनिकता क्या हो गया, जो हम लोग नए की ओर जा रहे हैं, तो ये हो गया आधुनिकता। आधुनिक का मतलब नया होता है। भारतीय समाज में ये क्या है, ये जो है ढेर सारी समस्याएँ पैदा कर दी। अब इसको समझिए, ढेर सारी समस्याएँ क्या हो गया। अब परंपरा का मतलब हो गया भाई कि हम लोग कोई चीज़ को जो है बहुत पहले से सीखते हुए आ रहे हैं, मतलब करते हुए आ रहे हैं, ये क्या है, परंपरा है। ये हमारे देश की, हमारे जाति की, हमारे इसकी, हमारे उसकी, ये क्या है, परंपरा है। ये क्या है बच्चों, परंपरा है। तो परंपरा और आधुनिकता में क्या हो गया, एक एग्जांपल को लेंगे यहाँ पर। एक एग्जांपल जैसे कि मान लेते हैं, परंपरा है कि कोई चीज़ को ना, जैसे बहुत तरह के लोग काम करते हैं जो कि आज के दिन लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल ये है, मतलब कि गलत है, है ना। एग्जाम्पल किसी का भी ले लो ना भाई, जैसे कोई अगर वो करता है, क्या कहता है, किसी को भूत पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, वो लोग सुनते हैं हम लोग, है ना। तो वो क्या होता है कि अगर आप भूत पकड़ लिया, कुछ ऐसा वैसा हो गया, तो उनके लिए हम लोग कहीं पे जाते हैं, कोई बाबा के पास, कोई किसी भी तरह के लोगों के पास हम लोग जाते हैं जो उस चीज़ को हटाता है, जाते हैं। तो ये क्या है, परंपरा है, हम लोग ऐसा सोचते हैं, है ना, ऐसा होता है। अब होता या नहीं है ये बाद की सवाल है, बट ऐसा होता या नहीं वो बाद की सवाल है। लेकिन पुराने व ज़माने के जो लोग हैं, कुछ कुछ आधुनिक लोग भी जो हैं, वो सोचते हैं कि हाँ ऐसा होता है, इसलिए वो जाते हैं किसी के पास, और बिना दवाई का, बिना डॉक्टर का, वो उस चीज़ को इलाज वहीं पे जाके करवाते हैं। ठीक है, चीज़ आपको समझ में आ रही है। तो ये क्या हो गया, परंपरा हो गया। अब आधुनिकवाद, जैसे कि मान लेते वो हमको पूछेगा भाई तुम कहाँ जाओगे, तो हम उसे लड़ेंगे तुम वहाँ क्यों गए, तुम वहाँ डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए, तुम उधर क्यों नहीं गए। तो ये हो गया आधुनिकवाद, है ना। तो आधुनिकवाद और ये आधुनिकता और ये जो परंपरा है, इसके बीच बहुत ज़्यादा समस्या है, और इसी वजह से है वो लोग बोलता है कि ये चीज़ ऐसा होगा, और हम लोग अभी के अनुसार बोलते हैं कि ये चीज़ ऐसा होगा। ठीक है, चीज़ आपको समझ में आई। देखिए, राजा राममोहन राय हो गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गया, केशव चंद्र सेन हो गया, दयानंद सरस्वती हो गया, रानाडे हो गया, तिलक तथा महात्मा गांधी, ये कुछ ऐसे प्रख्यात नाम हैं, ऐसे फेमस, ऐसे बड़े लोग हैं जिन्होंने सती प्रथा, सती प्रथा क्या होता है, ये सती प्रथा के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कि पहले क्या होता था कि जो हिंदू धर्म में जो है, पहले क्या था कि सती प्रथा में क्या होता था, अभी बैंड हो गया ये, ठीक है, याद रखिएगा। सती प्रथा में क्या होता था कि अगर अगर उनकी पति की किसी कारणवश मृत्यु हो गई, है ना, जैसे मान लेते आज ही शादी हुआ हो, ये नहीं कि 10 साल पहले, आज ही शादी हुआ हो, और शादी होने के जस्ट बाद अगर उनकी पति की मृत्यु हो गई, तो उनकी जो पत्नी होती थी उनको भी उसी के साथ जला दिया जाता था या दफना दिया जाता था। ये था सती प्रथा, यानी कि जिंदा ही वो औरत जिंदा होती थी, और मर्द उनका अगर मर जाता था तो उनकी पत्नी को जला दिया जाता था। ये है सती प्रथा, और ये बहुत बड़ा एक तरीके से गलत था, जिसके वजह से हिंदू धर्म से दो धर्म में निकला। एक धर्म है आपका, आगे हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे, एक धर्म बौद्ध धर्म है और एक है जैन धर्म। ये दोनों धर्म जो आया है वो हिंदू धर्म से निकला हुआ धर्म है, है ना। अगर ये सारा चीज़ गलत वगैरह नहीं होता तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो सती प्रथा, आपको चीज़ें समझ में आ गई, सती प्रथा था जो कि बहुत ही, अब समझिए कि किसी की शादी आज हुई, अब वो किसी कारणवश मर गया होगा, किसी भी कारणवश उनकी मृत्यु होगी, उनके पति की, जो आम बात है मृत्यु हो जाती है, तो अब क्या उनकी पत्नी को मर जाना चाहिए। लेकिन पहले ऐसा ही होता था। अब उस वक्त में वो बहुत ज़्यादा, बहुत लोग शौक से भी मर जाती थी, क्योंकि उनको लगता था ये परंपरा है, इससे हमें स्वर्गवासी हम बन जाएंगे, है ना, उनसे लगता था। और क्या होता था कि उस वक्त में उनकी जो आवाज़ है, जो दर्द है, वो कोई नहीं सुनता था। बोलेंगे क्यों सर, तो क्योंकि जब ये सती प्रथा होता था उस वक्त में बहुत ज़्यादा ढोल वगैरह बजता था, बहुत ज़्यादा आवाज़, इतना ज़्यादा आवाज़ होता था कि जो लड़की की चीख है वो किसी को सुनाई ही नहीं देता था, किसी को भी नहीं, इतनी ज़्यादा मतलब ढोल वगैरह की आवाज़ होती थी जब ये सब सारी चीज़ें होता था। ठीक है, तो सती प्रथा चीज़ें समझ में आ गया। विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध। अब विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध का क्या मतलब हुआ, कि जैसे पहले जो है
विधवा पुनर्विवाह, जैसे किसी के पति की मृत्यु हो गई तो क्या था कि विधवा से जो है शादी नहीं कर सकता। ये भी हिंदू धर्म में था कि जैसे किसी की पत्नी पति की मृत्यु हो गई तो वो लड़की क्या हो गया, विधवा हो गया, क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो गई। तो क्या होता था कि उन विधवा से और कोई शादी नहीं करता था, उस विधवा से कोई शादी नहीं करता था। तो इनमर भी जो है प्रतिबंध लगा दिया गया कि नहीं, विधवा पुनर्विवाह जो है वो होना चाहिए, सती प्रथा ये खत्म होना चाहिए, ठीक है। और अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, वही छुआछूत वाला सिस्टम, ये तीन चार चीज़ जो ना बहुत ज़्यादा गलत था, है ना। अगर आप हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि जब इस्लाम आया था ओझा सर का वो डायलॉग सुने होंगे, जब इस्लाम आया था तो वो उस वक्त में भी, इस्लाम से आने से पहले भी ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था। लड़कियों को ले जाके बेचता था, उनको दफना दिया जाता था, उसको बिना मतलब का मार दिया जाता था। तब वो जो है चिराग लेकर के आए, प्रोफेट मोहम्मद जो है वो चिराग लेकर के आए, फिर जो है उन्होंने विधवा से शादी किया सबसे पहले, है ना। उनकी उम्र कितनी थी, 25 साल थी, प्रोफेट मोहम्मद की 25 साल, और जो विधवा था उनका उम्र था 40 साल, है ना। जो उनकी पत्नी थी उनका उम्र था 40 साल, उनके जो पति की यानी कि जो नबी साहब थे यानी कि जो प्रोफेट मोहम्मद थे उनका उम्र कितना था, 25 साल। तो इन्होंने शादी किया ये 25 साल और वो 40 साल की, शादी करके दुनिया को ये मैसेज दिया कि नहीं, यहाँ पर भी जो है ये होना चाहिए कि चाहे वो विधवा हो, चाहे वो आपसे उम्र में बड़ी हो छोटी हो, या चाहे वो विधवा हो, चाहे जैसा भी हो, आपको उससे शादी करनी चाहिए, ठीक है। सती प्रथा को बैन कर दिया गया, तो बैन तो वो राजा रामन आज के, लेकिन उस वक्त में बैन हो गया कि नहीं, किसी को भी नहीं मरना होगा, लेकिन उस वक्त में ऐसा होता था, ठीक है। चीज़ आपको समझ में आ गई। तो सती, अब अस्पृश्यता का मतलब हमने क्या बताया, छुआछूत वाला, जैसे आज के दिन भी ये बहुत तरह के देखने को मिलेगा। आप किसी गिलास में पानी पी लेंगे, अब कोई अगर छोटा जाति होगा वो अगर किसी तरीके से उस गिलास में पानी पी लिया तो और हम नहीं पियेंगे, क्योंकि वो छोटा जाति है। इस तरीके से आज भी समाज में देखने को मिलता है। तो ये हो गया अस्पृश्यता, है ना, कहीं भी जाके बैठ गए, अब वो अगर बैठ गया तो हम उसके बगल में जाके नहीं बैठेंगे। बहुत तरह की चीज़ें हैं जो कि आज के दिन भी बहुत तरह के लोगों से देखने को मिलता है। बहुत तरह की विधवा है जो कि लोग इस मानसिकता पर बैठे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि वो विधवा है, जबकि ऐसा नहीं है, आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो सती प्रथा हो गया, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध हो गया, अस्पृश्यता जैसी ये जो सामाजिक बुराई थी इनको खत्म करने की दिशा में सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए, है ना। इनको खत्म करने के लिए ये लोग जो है, जैसे राजा राममोहन राय जिन्होंने सती प्रथा पर बैन लगाया, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सारे लोग जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं, महात्मा गांधी जैसे ऐसे कुछ महान लोग थे जिन्होंने इन सभी चीज़ों पर बैन लगाया, ठीक है। और मैंने क्या कहा कि अगर ये सारा चीज़ नहीं होता तो जो बौद्ध धर्म जो जैन धर्म में वो आज नहीं पनपता। चीज़ें तो समझ में आ रही है बच्चों, मज़ा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में, मज़ा आ रहा है, इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अच्छा, 46 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि भारत में समाजशास्त्र का उस समय व्यवस्थित रूप से विकास नहीं हुआ था, अंततः इसमें भारतीय गांवों का चित्रण ब्रिटिश नीतियों के अनुरूप किया गया, ठीक है। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है, जब ये सब चीज़ था ना, तो बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध है और जो महावीर जो कि जैन धर्म को लेके आए, तो इन लोगों ने इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक अपना अलग नियम बना दिया, जो सही सही चीज़ है। जैसे उन्होंने सती प्रथा को हटा दिया, उन्होंने सारी चीज़ों को हटा दिया जितना भी गलत गलत चीज़ था, ठीक है। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म हो गया, इस्लाम, ये सारा धर्म का मतलब कि उदय हुआ छठवीं शताब्दी में, है ना, लगभग 600 के आसपास, 600 ईस्वी के आसपास इन सभी धर्मों का उदय हुआ, ठीक है, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, इस्लाम का, सारी धर्मों का, ठीक है। लेकिन सती प्रथा वगैरह वो इंडिया में ही था, अब बाहर था या नहीं ये तो नहीं पता। तो उस वहाँ जो हुआ था, अरब में जो इस्लाम का उदय हुआ था, तो वहाँ पर इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पर भी इस तरह का चीज़ें होती थी। चाइना में भी बहुत ज़्यादा होता था। ओझा सर का आप लोग वो डायलॉग ज़रूर सुने होंगे, हमको लगता है। अवध ओझा सर को कौन कौन जाते हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करो। तो चलो, तो ये लाइन का समझ में आ गया आपको कि क्योंकि भारत में समाजशास्त्र का उस समय जो व्यवस्थित रूप से विकास नहीं हुआ था, यानी कि समाजशास्त्र का, सोशोलॉजी का, क्योंकि ये सारा जानकारी हम लोगों को कौन देता, सोशोलॉजी देता है, लेकिन इसका विकास तो हुआ नहीं था, और अतः इसमें भारतीय गांव का चित्रण ब्रिटिश नीतियों के अनुरूप किया गया। और इसमें जो है भारतीय जो गाँव का जो चित्रण हुआ था वो कैसे किया गया, तो ब्रिटिश शासन के, ब्रिटिश का जो नीति है उसी के अनुरूप, यानी कि ब्रिटिश जो चाहते थे उसी चीज़ को वो कर देते थे, उसी चीज़ को लिख देते थे, ठीक है। आगे देखो, उसी चीज़ को वो थोप देता था कि नहीं, तुमको ऐसा चलना चाहिए, ब्रिटिश जो है जैसा सोचता था वैसा वो कर देता था, चाहे वो सही हो या गलत हो। गांव भारतीय समाज तथा संस्कृति के स्तंभ रहे हैं, है ना। स्तंभ का मतलब होता पिलर, पिलर का मतलब होता कॉलम, यानी कि सिंपली समझिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे मीडिया क्या है, वो संविधान का चौथा स्तंभ है ना, चौथा स्तंभ। एक घर है, एक घर में टोटल चार पिलर है, तो अगर एक पिलर टूट जाएगा, एक खंभा टूट जाएगा, तो वो घर क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, हो सकता है वो गिर भी जाए, है ना। लेकिन चारों पिलर अगर रहेगा तो वो घर मजबूत रहेगा। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि ये जो गांव होता है ना, गांव यानी कि जो विलेज होता है, वो भारतीय संस्कृति का, भारतीय समाज का स्तंभ होता है,
क्योंकि आप अगर शहर में देखेंगे ना तो आपको उतना संस्कृति नहीं दिखाई देगा, आपको शहर में ना आधुनिकीकरण दिखाई देगा कि वो लोग जो है पड़े हैं, लेकिन आप जब गांव में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि लोग किस तरीके से संस्कृति को फॉलो करते हैं ना, लोग एकदम अपना धार्मिक रूप से अपने अपना अपना जो रहन सहन है उस तरीके से रहते हैं, जैसे पल्लू पूरे सर पे देना, कोई अपना माथे को ढक करके रखना, अपने से कवर अप पूरा करना, जो संस्कृति है उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो फॉलो करते हैं वो गाँव से होते हैं, वो शहर से नहीं होते हैं, शहर के लोग इस चीज़ को कम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि जो गाँव होता है ना वो भारतीय समाज का और संस्कृति का स्तंभ होता है, यानी कि पिलर होता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर एक पिलर टूट गया, एक कॉलम अगर टूट गया तो घर गिरने की खतरा ज़्यादा हो जाता है। एक खंभा अगर टूट जाएगा तो क्या वो घर टिकेगा? वो घर बहुत जल्द गिर जाएगा या हो सकता है वो घर बहुत कमज़ोर रहेगा, ठीक है। तो गांव क्या है? समाज का संस्कृति है। ये गांव की वजह से ही जो है भारतीय समाज आज भी देखने को मिलता है ना। भारतीय समाज को हम लोग आज जो जान पाए हैं वो गांव की वजह से। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय गांव का अध्ययन करने का विचार किया, और इसी बात को जब देखा उन लोगों ने कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि गांव के लोग अभी भी अपना संस्कृति को फॉलो कर रहा है, और फिर उन्होंने गांव का अध्ययन करना शुरू किया, गांव के बारे में खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया, ठीक है। देखो अब आगे, भारतीय समाज का प्रथम अध्यक्ष बी एच पॉवेल ने सन 1892 में अपनी किताब भारतीय ग्रामीण समुदाय, यानी कि भारतीय समाज का जो प्रथम अध्ययन था, जिनका नाम था बी एच पॉवेल, क्या नाम था? बी एच पॉवेल, ठीक है। इन्होंने 1892 में अपनी एक किताब थी इनका, जिनका नाम था भारतीय ग्रामीण समुदाय, मतलब जो भारत के जो गांव के जो लोग होते हैं, जो गांव के समुदाय होते हैं, यानी कि द इंडियन विलेज कम्युनिटी, यानी कि जो विलेज कम्युनिटी के लोग होते हैं, विलेज समुदाय के जो लोग होते हैं, यानी कि गांव के जो समुदाय होते हैं, उनके द्वारा किया गया, ठीक है। यानी कि भारतीय ग्रामीण समुदाय के द्वारा जो है किया गया था, किसका अध्ययन? भारतीय समाज का अध्ययन, किसके द्वारा? बी एच पॉवेल ने, ठीक है। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय गाँव में गरीबी तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने भी कई विद्वानों का ध्यान गाँव की तरफ आकर्षित किया। आकृष्ट मतलब कि अट्रैक्ट, कहने का मतलब क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 18 के बीच, ठीक है, तो उस वक्त के बाद जो है लोगों की हालत किस तरीके से बद से बदतर हो गई थी भारतीय समाजों की, तो जब देखा कि भाई इतनी स्थिति खराब है तो फिर उन लोगों ने जो है और ज़्यादा इधर आए, और फिर यहाँ के बारे में, यहाँ के गाँव के बारे में उन लोगों ने अध्ययन किया, ठीक है। यहाँ के बारे में उन लोगों ने अध्ययन किया, सर्च किया कि ऐसा क्यों, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। भारतीय आंदोलन जो चल रहा था उनके बारे में भी पता चला उन लोगों ने, लगाया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, है ना। यहाँ के जो गरीबी थे भारतीय गाँव के, उनके बारे में भी जो है उन लोगों ने अध्ययन किया, यानी कि उन लोगों के आकर्षित किया इन सभी चीज़ों ने, गरीबी ने, आंदोलन ने, कि नहीं हम लोगों को भी जो है अध्ययन यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। सर चार्ल्स मेटकॉफ, सर जॉर्ज, ये सब नाम याद नहीं रखना है, बस आपके किताब में है तो ये पूछा नहीं जाता है सर, ये जो हम नाम अभी पढ़ रहे हैं, आप उन्हें तो डर जाइए कि सर ये कौन सा नाम आ गया, अंग्रेज वाला नाम है ये। बडेन पावेल तथा फ्रांसिस वुचनेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मद्रास, मैसूर, बिहार इत्यादि के विभिन्न गांव तथा शहरों का अध्ययन तथा सर्वेक्षण करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया। यानी कि ये जो व्यक्ति थे, इनका जो नाम हमने यहाँ पर लिया, ये क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, यानी कि उस वक्त में राज कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये जो लोग थे वो गया, कहाँ पर गया? विभिन्न गाँव में, अलग अलग गाँव में, अलग अलग शहरों में गया, वहाँ अध्ययन किया। और वो जो है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया, जैसे वो मद्रास गए, वो मैसूर गए, वो बिहार गए, आए, है ना। तो इन जगह पर वो गए, इन जगह पर वो आए, और आने के बाद उन्होंने अध्ययन किया यहाँ के गाँव के बारे में, अलग अलग गाँव के बारे में, अलग अलग शहरों के बारे में अध्ययन किया और सर्वेक्षण किया, है ना। सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, यानी कि इसके बाद इन्होंने बहुत बड़ा एक रिपोर्ट तैयार किया यहाँ के बारे में, अध्ययन करके बहुत सारी चीज़ें उनको पता लगी, और फिर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया जहाँ पर उन्होंने एक एक चीज़ों के बारे में सब कुछ लिखा, ठीक है। इसके बाद हर्बर्ट रिसले, डी एवर्टसन सीवी लुकास, डब्ल्यू जॉर्ज ब्रिग्स तथा विलियम क्रूक ने भारत की ग्रामीण समस्याओं को समझने का प्रयास किया, और फिर इन लोगों ने जो है जो भारत की ग्रामीण जो समस्याएं थी उनको भी अध्ययन करने का, उनको भी जानने का प्रयास किया, ठीक है। मध्यम वर्ग पश्चिमी शिक्षा में रच बस गया, किंतु उसी मध्यम वर्ग ने औपनिवेशिक शासन को चुनौती भी दी, यानी कि जो मिडिल वर्ग होता है, जो मिडिल क्लास होता है ना, उन्होंने जो पश्चिमी शिक्षा है उनको तो रच बस गया, उसी मध्यम वर्ग ने औपनिवेशिक शासन को चुनौती भी दी, यानी कि जो मध्यम वर्ग थे, मिडिल क्लास थे, उन लोगों ने जो है ब्रिटिश शासन को चुनौती भी दिया था कि तुम ऐसा नहीं कर सकता है, तुम ऐसा ये काम जो अध्ययन वगैरह कर रहा है, सारा चीज़ कर रहा है, ये तुम नहीं कर सकता, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, विभिन्न प्रकार के सामाजिक तथा सांस्कृतिक समुदायों का गठन क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर किया गया,
जिसमें भारतीय परंपरा तथा संस्कृति की रक्षा करने का प्रयास किया गया। उपनिवेशवाद के कारण बाद में नए समुदाय तथा वर्गों का उदय हुआ जिन्होंने आगे चलकर इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहरी मध्यम वर्ग ने राष्ट्रवाद का बिगुल बजाया तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात किया। बिगुल का मतलब क्या होता है? बिगुल का मतलब होता है जो हम लोग जैसे राष्ट्रवाद जो एक तरीके से जो इनको फैलाया, मतलब बिगुल होता है ना वो बजा करके सबको बताना, ठीक है। तो बिगुल कहने का एक मुहावरा यहाँ पर हुआ कि राष्ट्रवाद जो मध्यम वर्ग हुआ वो पैदा हुआ किसकी वजह से? ब्रिटिश उपनिवेशवाद की वजह से। मध्यम वर्ग पहले नहीं था, ठीक है। तो मध्यम वर्ग ही बहुत ये जो है बहुत बड़ा भूमिका निभाया आगे चल करके, यानी कि आज़ादी के वक्त में, और इन्होंने ही जो है ये राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको फैलाने में बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाया। कौन निभाई? कौन? मध्यम वर्ग, ठीक है। और भारतीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन है इसका सूत्रपात किया, यानी कि इसको शुरू किया, सूत्रपात किया। चीज़ें आपको समझ में आ रही है बच्चों? आगे हम लोग निकलें फटाफट। चलो देखो, आपका जो ऐप में जो है कोर्स लॉन्च हो गया है, ठीक है। कोर्स आप सबको पता होगा शायद, है ना। ऐप का नाम क्या है? बहुत सारे बच्चों को पता है, जिसको नहीं पता एक बार बता देते हैं, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं। ऐप का नाम है तनु क्लासेस, जो कि आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर, ठीक है। प्ले स्टोर से आप तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिए। तनु क्लासेस ऐप का नाम क्या? तनु क्लासेस को डाउनलोड करिए। और जो बिहार बोर्ड से हैं वो संकल्प बैच, और जो बिहार बोर्ड से नहीं है यानी कि किसी दूसरे बोर्ड से, तो वो सफलता बैच को ज्वाइन करिए, ठीक है। और संकल्प बैच में आपकी पूरी कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस होती है, पीडीएफ नोट्स होता है, डाउट सेशन होता है, होमवर्क दिया जाता है, किसी भी तरह का डाउट हो वो पूछा जाता है, और सबसे बड़ी बात टेस्ट होता है, और उससे भी बड़ी बात सारा तरह का पीडीएफ दिया जाता है। ये पीडीएफ हो गया, जिस तरह का भी पीडीएफ आपको चाहिए वो सारा पीडीएफ जो भी हम लोग पढ़ाते हैं वो सारा पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलता है, चाहे वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो, नोट्स हो, थ्योरी हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो, चाहे वो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो। एक चैप्टर में टोटल 3 पीडीएफ आपको मिलता है। ऐप का नाम क्या? तनु क्लासेस। तो आप लोग प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी करिएगा, ठीक है। चलो अब देखो, समाजशास्त्र जो है वो आपको स्ववाचक अथवा आत्मवाचक बनने की शिक्षा देता है ना। अर्थात यह स्वयं को देखने तथा आत्मनिरीक्षण करने की शिक्षा देता है। मतलब स्ववाचक का मतलब हो गया स्वयं को देखने, यानी कि खुद को पहचानने, खुद को देखने का भी एक तरीके से अधिकार मतलब बताता है समाजशास्त्र आपको, इसके बारे में जानकारी देता है। साथ ही साथ आत्मनिरीक्षण करने का भी जो है आपको शिक्षा देता है, परंतु इस आत्मनिरीक्षण में समीक्षा अधिक तथा आत्ममुग्धता कम होनी चाहिए। और इसमें जो इस जो ये जो आपका आत्मरक्षण है, इसमें जो समीक्षा है वो अधिक होनी चाहिए, और ये जो आत्ममुग्धता होता है ये कम होनी चाहिए। एक तुलनात्मक सामाजिक मानचित्र आपको समाज में आपके निर्धारित स्थान के बारे में बता सकता है। और एक जो तुलनात्मक सामाजिक मानचित्र है, यानी कि जब आप समाजशास्त्र को पढ़ेंगे या फिर जो समाजशास्त्र के विद्वान होते हैं, वो आपको आपका हद बता सकता है कि आप किस हद में, किस स्थान पर हैं, आपका जो निर्धारित स्थान है वो आपको बता सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ देखिएगा। समाजशास्त्र समाज में विद्यमान विभिन्न प्रकार के समूहों तथा सामूहिकताओं तथा उनके व्यापक प्रभाव के बारे में हमें बताता है। यानी कि जो समाजशास्त्र है वो हम लोगों को समाज में विद्यमान विभिन्न प्रकार के समूह के बारे में, यानी कि जो समाज में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग समूह होते हैं, उनके बारे में, सामूहिकताओं तथा उनके व्यापक प्रभाव के बारे में, और उस समूह का उसका क्या प्रभाव पड़ता है ना, उस दल का, उस समूह का, उस पार्टी का, इस सभी चीज़ों के बारे में जो है हम लोगों को समाजशास्त्र बताता है। जैसे कि राष्ट्र एक दूसरे के साथ संबंध तथा व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में उसका अर्थ है ना, एक दूसरे के साथ संबंध तथा व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में उसका अर्थ, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम लोगों को समाजशास्त्र बताता है, ठीक है। आगे देखिएगा फटाफट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों इसी की बात पर, ठीक है। देखिए, समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों तथा सामाजिक मुद्दों के बीच, अच्छा हुई चीज़ ये तो लाइन आपको बता दिए। समाजशास्त्र जो है वो आपको क्या करता है कि जो आपका व्यक्तिगत परेशानी होता है, मतलब जैसे आप बीमार हैं या आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको अभी क्योंकि बीमार हैं तो आप पढ़ नहीं पाए, अब पढ़ नहीं पाए तो आपको रोज़गार नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्तिगत परेशानी है वो हो गया बीमार, और जो सामाजिक मुद्दा है वो हो गया रोज़गार, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि समाजशास्त्र जो है, जो हमने शुरू में आपको बताया था कि जो आपका व्यक्तिगत परेशानी होता है वो डायरेक्ट होता है सामाजिक मुद्दों से, यानी कि ये जुड़ा हुआ होता है। जो व्यक्तिगत परेशानी है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है किसको? सामाजिक मुद्दा को, ठीक है। यानी कि ये बीच का कड़ी होता है, संबंध स्थापित करने हेतु खाका तैयार करने में सहायता करता है। व्यक्तिगत परेशानियों में निजी कष्ट हो गया, समस्या हो गया, संदर्भ हो गया, जबकि सामाजिक मुद्दे में क्या हो गया? पीढ़ियों का अंतराल हो गया, है ना। अब सामाजिक मुद्दे की वजह से पीढ़ियों का अंतराल भी होता है, बहुत तरह के बेरोजगारी हो जाता है, सांप्रदायिकता हो जाता है, जातिवाद हो जाता है, लैंगिक असमानता हो जाता है, ये सभी चीज़ें होती है। अब लैंगिक असमानता का मतलब समझ रहे हैं ना, लैंगिक असमानता हो जाता है, जैसे कि जातिवाद बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आप किसी तरीके से व्यक्तिगत परेशानी में है तो, सांप्रदायिकता बहुत तरह का हो जाता है, आपको दूसरे के प्रति जलन हो जाएगा, दूसरे के प्रति आपको जो है हमेशा दुश्मनी बने रहिएगा, दूसरे धर्म के प्रति, दूसरे जाति के प्रति, तो ये आपका जो व्यक्तिगत परेशानी है ना
ये किस व्यक्तिगत परेशानी की वजह से ही ये सामाजिक मुद्दा आता है, यानी कि इस तरह का चीज़ आपके साथ होने लगेगा, यानी कि या तो आप बेरोजगार हो जाइएगा, या सांप्रदायिकता हो जाइएगा, या जातिवाद आपके अंदर आ जाएगा, या आप जो है लैंगिक असमानता में चले जाएंगे, है ना। ये सारा चीज़ जो होता है वो आपका व्यक्तिगत मुद्दा की वजह से ही होता है, ठीक है। चलिए, तो जो चैप्टर है आपका बच्चों वो हो गया समाप्त। उम्मीद करते हैं जो सेशन है आपको बहुत पसंद आया होगा, है ना। टोटल हम लोगों ने लगभग एक घंटा का आपका क्लास होगी पूरा। तो ये जो चैप्टर है भारतीय सामाजिक परिचय सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का पहला चैप्टर है, और ये चैप्टर आपका हो गया है एंड, यानी कि खत्म। अब इसके बाद इनका जो भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो कर देंगे, ठीक है। वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कैसा लगा आज का क्लास, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक भी बार आप शेयर करने नहीं बोले, क्या आप लोग शेयर किए नहीं बोले तो हमको लगता है बहुत सारे बच्चे नहीं किए होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जाते जाते शेयर जरूर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों को बताइए। तनु क्लासेस आपको में तैयारी शुरू हो चुकी है, जो जो कोर्स नहीं खरीदे प्लीज़ आप लोग कोर्स खरीद लीजिएगा, है ना। तनु क्लासेस ऐप का नाम है, जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो चैनल का तनु क्लासेस ऐप का नाम है याद रखिएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, बिहार बोर्ड से हैं तो संकल्प बैच, अदर बोर्ड से हैं तो दूसरे को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, टेंशन ना लो, बहुत अच्छा होने वाला है आपका रिजल्ट, बहुत अच्छे आप करने वाले हैं, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों का कमेंट वगैरह हम लोग देखते रहते हैं, जो जिस तरह का आंसर आप लोग देखते रहते हैं, है ना। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से तैयारी करें, अपने माँ बाप का, अपने पूरे परिवार का, और जो भी आप लोगों से उम्मीद लगाए हुए हैं उनकी उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है, ठीक है। थैंक यू। चलो वीडियो को लाइक करते हुए जाना फिर से।